Hello everyone. Today we are going to start with the topic of logarithm. I hope the screen is visible. सबसे पहले ना हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं. तो logarithm of a number to a given base is the power to which the base must be raised to produce n. तो क्या बोल रहा है, द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस द नंबर. ठीक है, अब यहां पर दो फॉर्म आएगा, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा आएगा लॉगरिदमिक फॉर्म. यहां मैं लिख रहा हूं a टू द पावर x इक्वल्स टू n. इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं log n बेस a इक्वल्स टू x, और यही चीज को रेप्लीकेट किया गया है, यही सेम बात को रेप्लीकेट किया गया है हमारे इस डेफिनेशन में. चलिए आइए देखते हैं. द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो यहां पर नंबर को हम लोग ने n से डिनोट किया है, बेस को a से डिनोट किया है और पावर को x से डिनोट किया है. द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस a इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस अ नंबर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ द लॉगरिथम. टू प्रोड्यूस अ नंबर equivalent to the number of the logarithm. Base का कितना power ये number होगा, that power is the answer of the logarithm. Base का कितना power number होगा, that power is the answer of the logarithm. Base का कितना power, कितना पावर नंबर होगा, दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉगरिथम. एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. सिक्स का क्यूब इक्वल्स टू 216, हाँ या ना? तो इसको अगर हमको लॉग में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 216 बेस में 6 इज इक्वल्स टू 3. जस्ट कंपेयर करो, ऊपर में हम लोग वेरिएबल्स के टर्म में लिखे, नीचे हम लोग फिगर्स के टर्म्स में लिखे हैं. ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन, तो इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे, 6 का कितना पावर नंबर होगा, तो 6 के पावर में ऐसा क्या आएगा कि मेरा आउटपुट विल बी 216. तो 6 टू द पावर 1 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 6 का पावर 3 इज 216. तो वही मैं समझा रहा हूं, बेस का कितना पावर नंबर होगा, that power is the answer of the logarithm. और definition में भी लिखा हुआ है, base must be raised to produce
द इक्विवेलेंट नंबर बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट नंबर। अब कुछ कुछ जो बात मेरे को ध्यान में रखना है कि बेस क्या नहीं हो सकता, बेस कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव एंड वन, एंड जो नंबर है इट कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। नंबर ऑफ द लॉगरिथम हैज टू बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। सबको पता है a टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, हाँ या ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लॉगरिदम ऑफ यूनिटी विथ रेस्पेक्ट टू गिवन बेस इज जीरो। अगर लॉग के नंबर में वन है विथ रेस्पेक्ट टू एनी बेस द वैल्यू हैज टू बी जीरो। सेकेंडली a टू द पावर वन इक्वल्स टू a, तो अगर लॉग का नंबर और बेस सेम है तो आंसर हैज टू बी वन। लॉगरिदम ऑफ अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ बेस इक्वल टू द नंबर इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल्स टू वन। इसको हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश में, लॉगरिदम ऑफ यूनिटी विथ रेस्पेक्ट टू बेस ए इज इक्वल्स टू जीरो। लॉगरिदम ऑफ यूनिटी विथ रेस्पेक्ट टू बेस ए इज इक्वल्स टू जीरो। और फिर यहां लिख लेते हैं लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर विथ द सेम नंबर एज द बेस इज always one, logarithm of any number with the same number as the base is always one, is always one। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे तो लिखेंगे not possible, क्यों? Why? Base cannot be zero, negative and one. Base cannot be zero, negative and one. ठीक है, basic structure clear करो। इसको हम लोग exponential form बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी,
लॉग ऑफ ए बी बेस में एम इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस में एम प्लस लॉग बी बेस में एम। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, लॉग 30 बेस में 10 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 इंटू 5 बेस में 10, तो लॉग 6 बेस 10 प्लस लॉग 5 बेस 10। और एक एग्जांपल ले लीजिए, लॉग 6 बेस 10 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 बेस में 10 प्लस लॉग 2 बेस में 10 प्लस लॉग 3 बेस में 10। ऑल द लॉज विच वी विल लर्न विल बी एप्लीकेबल वाइस वर्सा, ऑल द लॉज विच वी विल लर्न, नोट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑब्लिक थ्योरम्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल वाइसे वर्सा। ठीक है, अगर अंदर में नंबर प्रोडक्ट है, अंदर में नंबर अगर प्रोडक्ट है तो वी कैन यूज सेपरेट लॉगरिदम फॉर इंडिविजुअल नंबर्स। नंबर टू, जब इनटू में प्लस हो रहा है तो कोशेंट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, कोशेंट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल है हम लोग के पास में, लॉग 32 बाई 4 बेस में 10, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 32 बेस में 10 माइनस लॉग 4 बेस में 10, लॉग 32 बेस में 10 माइनस लॉग 4 बेस में 10। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लॉग के अंदर कोई नंबर है उसके पावर में कुछ है तो वो पावर विल बी इन फ्रंट ऑफ द लॉगरिदम। सपोज करिए लॉग 125 बेस में 5 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 का क्यूब नंबर का जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा, नंबर का जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा, नंबर का जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा। एंड जितने भी अपने सम करेंगे, स्टार्टिंग का जो तीन प्रॉपर्टी है ये बहुत वाइडली यूज होता है, स्टार्टिंग का जो तीन प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा वाइड यूजेज है इस सब चीज का। ठीक है, अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पर सम लू, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर सम लू तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए मेरे को बोल दिया है लॉग 2 बेस 10 इज 0.3010, फाइंड लॉग 5 बेस 10, फाइंड लॉग 5 बेस 10। तो मेरे को यहां पर शुरुआत करना पड़ेगा ऐसे, We know that log 10 base 10 equals to 1,
है ना, और log 10 को मैं ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5 में, और log 2 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 इक्वल्स टू 1। तो मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं नंबर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के बाद इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। पहले मैं नंबर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसके बाद मैं लॉ अप्लाई कर रहा हूं। अब मेरे को ये वाला जो पोर्शन है वो गिवन है, दिस इज गिवन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, और log 5 बेस 10 इक्वल्स टू 1 माइनस log 2 बेस 10, और log 5 बेस 10 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3010 विच इज नथिंग बट 0.6990 which is nothing but 0.6990 which is nothing but 0.6990। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ बेस सीखना। हम लोग सबको पता है log a बेस b को हम लोग log a बाई log b लिख सकते हैं विथ अ कॉमन बेस सेपरेट कर सकते हैं विद अ कॉमन बेस। जब जैसा जो रिक्वायरमेंट आएगा वैसा बेस लेंगे, लेकिन अगर आप कॉमन बेस को 10 मान रहे हैं तो इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिदम। अगर आप बेस को 10 मान रहे हैं तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिदम। अगर आप बेस को ई मान रहे हैं तो इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिदम। लॉग ए बेस बी को आप सेपरेट कर सकते हैं नंबर और बेस को विद अ कॉमन बेस। तो अगर कॉमन बेस को आप 10 मान रहे हैं तो इसको कॉमन लॉगरिदम बोला जाता है, और अगर ई मान रहे हैं तो नेचुरल लॉगरिदम। तो मेरे को क्वेश्चन आया लॉग 25 बेस 8 का वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन आया। कैसे निकालू जो भी वैल्यू दिया रहता है या जो भी वैल्यू पता है उसके बेस में तो 10 है। कैसे, अभी पिछला सब में किया था, log 2 बेस 10 क्या है 3010, और log 5 बेस 10 क्या है 0.6990, है ना। तो मेरे को क्या करना है, जो सम्स अपने औकात का नहीं होगा पहले उसको अपने औकात में लाएंगे। तो log 25 बेस 8 को क्या मैं लिख सकता हूं 25 बेस 10 बाई log 8 बेस 10। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, log 5 का स्क्वायर बेस 10 बाई log
टू का क्यूब बेस 10। अब आप बोलेंगे नंबर के पावर में जो है पावर सामने आएगा, वेरी गुड। तो 2 लॉग 5 बेस 10 डिवाइडेड बाय 3 लॉग 2 बेस 10। तो जो सम्स मेरे औकात का नहीं था वो मेरे औकात में आ गया, ये मेरा औकात में नहीं था। ये औकात में आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा। है ना, वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बस सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं तुमको कि log 2 बेस 10 0.3010 फाइंड log 2000। चलो बेस दिया हुआ नहीं था, मैं दे देता हूं 10। नहीं दिया रहेगा तो अपने 10 assumption लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो अपने 10 ही assumption लेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, log 2000 base 10 को मैं log 1000 into 2 लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में ये अलग अलग हो जाएगा कि प्रॉपर्टी में क्या सीखे हम लोग, प्रॉपर्टी में क्या सीखे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अलग अलग हो जाता है। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का क्यूब लॉग के नंबर के पावर में जो है वो सामने आ जाएगा। तो सिंस द नंबर एंड द बेस इज सेम and we know the value of log 2, मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इन जनरल बेस का ही कुछ पावर नंबर होता है, हमेशा इन जनरल बेस का ही कुछ पावर नंबर होता है। अगर लॉग को आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो नंबर एंड द बेस गेट्स इंटरचेंज्ड, नंबर एंड द बेस गेट्स इंटरचेंज्ड इफ वी आर डूइंग reciprocal of the logarithm, number and the base gets
इंटरचेंज्ड, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट लॉग 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 इज इक्वल्स टू log 2। तो सबसे पहले हम लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि log a माइनस log b प्लस log c इक्वल्स टू लॉग ए सी बाई बी, हाँ या ना, हाँ या ना। चेक द साइन ऑफ द लॉगरिदम, अगर वो पॉजिटिव है तो इनटू में जाएगा, नेगेटिव है तो डिवाइड में जाएगा। चेक द साइन ऑफ द लॉगरिदम, अगर वो पॉजिटिव है तो इनटू में जाएगा, नेगेटिव है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, पहले मेरे को थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने भी कुछ है, तो मैं लिख सकता हूं लॉग 75/16 माइनस लॉग 5/9 का स्क्वायर प्लस लॉग 32/243। जो सामने था उसको पावर में ले गए, क्योंकि जब पावर को सामने ला सकते हैं तो जो सामने है उसको पावर में भी लेके जा सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप लॉग 75/16 इंटू 32/243 डिवाइडेड बाई 25/81, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई 25/81। नेक्स्ट स्टेप लॉग 75/16 इंटू 32/243 इंटू 81/25। नीचे वाला चीज जब ऊपर आता है तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। अब काटापीटी चालू करना है हम लोग को, अब हम लोग को काटापीटी चालू करना है। 16 32 टू जा, 81 थ्री जा और 25 थ्री जा 75। हम लोग को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को, ये ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को हम लोग को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में। रिड्यूस द ब्रैकेट टेड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ काटाकुटी, विद द हेल्प ऑफ काटाकुटी। तो इसको जब सॉल्व करेगा ना, मेरा लॉग टू बचेगा, इसको सॉल्व करेगा तो मेरा लॉग टू बचेगा। आ गया मेरा आंसर, प्रूव्ड, प्रूव कर दिया हम लोग ने, वी सिंपली प्रूव्ड इट। हम लोगों को तो प्रूफ करने ही बोला गया था, तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया।
ठीक है, क्लियर है ये चीज? लॉग ए बेस बी को हम लोग लॉग ए बेस एम इंटू लॉग एम बेस बी लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ बेस मेथड। लॉग ए बेस बी को लॉग ए बेस एम इंटू लॉग एम बेस बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगर बोल रहा हूं लॉग टू बेस एक्स इक्वल्स टू थ्री है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और टू इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये यहां चला जाता है, दिस गोज हेयर। तो और एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ टू। सिमिलरली लॉग एक्स बेस फाइव इक्वल्स टू माइनस टू और एक्स इक्वल्स टू फाइव टू द पावर माइनस टू, क्या हुआ? ये यहां चला गया और एक्स इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फाइव और एक्स इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने ही सिखाया था आपको, अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ए टू द पावर एम बेस बी इक्वल्स टू एम लॉग ए बेस बी। लेकिन कल को मान लो ऐसा सिचुएशन रहा, ए के पावर में एम है और बी के पावर में एन है, तो क्या हो जाएगा? ये एम बाई एन लॉग ए बेस बी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद करने का टेक्निक क्या है? नंबर का पावर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, और जो बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो नंबर का जो पावर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक सम करके दिखाते हैं आप। ठीक है, बोल रहा है लॉग एक्स बेस टू प्लस लॉग एक्स बेस फोर प्लस लॉग एक्स बेस एट इक्वल्स टू इलेवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? लॉग एक्स बेस टू प्लस लॉग एक्स के बेस में टू का स्क्वायर और यहां पर एक्स के बेस में टू का क्यूब। अब नंबर के पावर में कुछ नहीं है मतलब वन है, नंबर के पावर में कुछ नहीं है मतलब क्या है? वन है।
तो ये बन जाएगा हाफ लॉग x बेस टू वन बाई थ्री लॉग x बेस टू। अब मेरा कॉमन आ रहा है, लॉग x बेस टू कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है वन प्लस हाफ प्लस वन बाई थ्री। सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आएगा सिक्स इज द एलसीएम, सिक्स प्लस थ्री प्लस टू इलेवन बाई सिक्स, इलेवन बाई सिक्स आ रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉग एक्स बेस टू इक्वल्स टू सिक्स, इलेवन इलेवन कैंसिल हो गया, सिक्स उधर चला जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, x इक्वल्स टू 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 द पावर सिक्स, ये हुआ क्या, दिस वॉज माई लॉगरिथमिक फॉर्म, आई हैव कन्वर्टेड द सेम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड सबसे सिंपल टेक्निक क्या है, इस ये वाला जो बेस है इसको इसका बेस बना दो, ये वाला जो बेस है इसको इसका बेस बना दो, वो वाला जो बेस है उसको उसका बेस बना दो। तो मेरा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 64, मेरा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 64, मेरा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 64। पहले हम लोग बेस के पावर्स को सामने लेकर आए एंड देन वी सॉल्व इट आउट। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद से करोगे। लॉग x बेस टू प्लस लॉग x बेस फोर प्लस लॉग x बेस 16 इक्वल्स टू 21 बाई फोर। चलिए फाइंड करिए x, फाइंड करिए x, जैसे हम लोग ऊपर वाला किए थे वैसे ही नीचे वाला भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या किए होंगे, अगर आप लोग log x बेस टू कॉमन लिए होंगे तो अंदर बचा होगा वन प्लस हाफ प्लस वन बाई फोर। अब टू और फोर का एलसीएम क्या होता है, फोर ही होता है, टू और फोर का एलसीएम फोर होता है, तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में log x बेस टू इंटू 21, सॉरी ऊपर में 7 बाई 4 आ रहा है, यहां पर 21 बाई 4 है, तो 4 एंड 4 कैंसल, अल्टीमेटली मेरा बच रहा है 3, तो x का आंसर हो गया 2 का क्यूब दैट इज 8, x का आंसर हो गया 2 का क्यूब दैट इज 8, x का आंसर हो गया 2 का क्यूब दैट इज 8। आपको सम्स को पकड़ के समझना पड़ेगा।
ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम किए थे, बट ये वाला जो प्रॉब्लम है, सिंस इसमें पावर्स बहुत बड़े बड़े यूज होंगे, तो वी कैन नॉट डू बाय दैट मेथड। हमको इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके ही करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वी हैव टू फॉर दिस टाइप सिंपली ब्रेक द नंबर ऑफ लॉगरिदम इनटू प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 23 ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, लॉग 16 माइनस लॉग 15 लिख सकता हूं, प्लस 17 ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, लॉग 25 माइनस लॉग 24 प्लस 10 ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, लॉग 81 माइनस लॉग 80। सबसे पहले लॉग ए बाई बी वाला चीज लगाया मैंने, अब 16 को क्या लिख सकते हो, 2 to the power 4, और 15 को 3 into 5। सिमिलरली 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, और 24 को 2 का क्यूब into 3 प्लस 10 लॉग 3 to the power 4 माइनस लॉग 2 to the power 4 into 5। मैंने सबको किस में ब्रेक किया है, प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है। अब जहां जहां पर मेरा पावर आ रहा है उसको मेरे को लॉग के सामने लेके आना पड़ेगा, जहां जहां पर मेरा पावर आया है उसको मेरे को लॉग के सामने रखना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिंपली ब्रेक कर दे रहे पावर्स में, सिंपली ब्रेक कर दे रहे पावर्स में। तो 23 4 log 2 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 5 प्लस 17 ब्रैकेट में 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस लॉग 3 प्लस 10 ब्रैकेट में 4 log 3 माइनस 4 log 2 माइनस लॉग 5। अब सारा नंबर्स आ गया है, सब ब्रेक हो गया है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। 92 log 2 माइनस 23 log 3 माइनस 23 log 5 प्लस 34 log 5 माइनस 51 log 2 माइनस 17 log 3 प्लस 40 log 3
माइनस 40 लॉग 2 माइनस 10 लॉग 5। सबको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके, सबको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश किए हैं। इक्वल्स टू 92 लॉग 2 माइनस 51 लॉग 2, बचा 41 लॉग 2 माइनस 40 लॉग 2, तो मेरा खाली लॉग 2 बच रहा है। 92 कैसे बच रहा है सुन लो मेरे पास ध्यान से, 92 माइनस 51 माइनस 40, तो मेरा 1 बच रहा है खाली, 3 तो बचेगा ही नहीं। 23 और 17 40 और 40 कट गया, 3 तो पूरा कट गया, माइनस 23 माइनस 17 प्लस 40, 3 तो पूरा कट गया, 5 में बच रहा है, 5 में एक 5 बच रहा है, 5 में एक 5 बच रहा है प्लस log 5, दोनों को जोड़ेंगे तो log 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये assumption लिया जाएगा या क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा। मेरा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी सम्स को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसी सेम सम को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। 23 log 16 by 15 plus 17 log 25 by 24 plus 10 log 81 by 80। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, जो नंबर है वो कहां चला जाएगा, पावर में है या ना, जो नंबर है वो चला जाएगा पावर में और फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा और फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 4, 3 इंटू 5 होल टू द पावर 23 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 का क्यूब इंटू 3 होल टू द पावर 17, 3 टू द पावर 4 by 2 to the power 4 into 5 whole to the power 10। So 2 to the power 92 by 3 to the power 23 into 5 to the power 23 into 5 to the power 34 by 2 to the power 51 into 3 to the power 17, 3 to the power 40 by 2 to the power 40 into 5 to the power 10. This is exactly what we do, sub cut pit ke log 2 into 5 bachega, that is log 10, base mein 10, answer 1. एक सम्स को सॉल्व करने का मल्टीपल, अब इस पे गलती क्या है मेरा, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर वाज नो बेस,
पूरा सम में देर इज अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ अ कॉमन बेस एज 10, अजम्पशन ऑफ अ कॉमन बेस एज 10, अजम्पशन ऑफ अ कॉमन बेस एज 10, ठीक है। तो टू सम अप, पहला बात तो हम लोग बोलेंगे कि a टू द पावर x इक्वल्स टू n, द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस a इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद a टू द पावर जीरो वन होता है, लॉग वन बेस a जीरो होगा, लॉग a बेस a वन होगा, लॉग ए बी को लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a बाई बी को लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a टू द पावर m को m लॉग a, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, लॉग x का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2 लॉग x, क्यू वाई बिकॉज ये लॉग का पावर है, लॉग के नंबर का नहीं। तो इसका राइट अप्रोच क्या होगा, log x इंटू log x, इसका राइट अप्रोच होगा log x इंटू log x। उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला किए, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक क्लास। इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस जस्ट द रूल्स प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एंड थोड़ा थोड़ा सम किए हम लोग। हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद वाले क्लास में, जहां पर एक्चुअल मेरा दिमाग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।